देश में समानता का शासन हो, सभी समय इसको सेम न्याय मिले। हमारे बहुत ही कर्मठ और ईमानदार जो व्यक्ति भाई हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री कमलेश जी भंडारी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने खरगोन जिले की जो डोर अपने हाथ में ली है, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं अपने जन्मदिन के मौके पर जो मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, उसका श्रेय मैं आज कमलेश जी को दूंगा कि आज इतने सारे फ्रेंड्स इनके वजह से मेरे सामने हैं, अन्यथा सब अलग अलग जगह होते जो एक ही जगह मुझे बधाई दे रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा ईमानदार आदमी जो हमारे खरगोन ज़िले में पहली बार जिनने ये झंडा उठाया समानता को एक मंच पर लाने के लिए, तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि कमलेश जी को इस लड़ाई में सफलता मिले और ये आज उस मुकाम पे पूछे जहाँ इनका दिल चाहता है। मैं ईश्वर से ये कामना करूँगा कि कमलेश भाई की सारी भावना आज मेरे जन्मदिन पर सफल हो और आज ये जो चाहते हैं ईश्वर इनको वो मुकाम पे पहुँचाए। और सपाक समाज का साफ और सुथरा उद्देश्य है कि समस्त समाजों को सेम न्याय मिले, कोई किसी जात पात में भेदभाव न हो, ये हमारे कमलेश भाई की भावना है, ये इस हमारे समाज में कायम हो, ये मेरा आज का संदेश रहेगा। धन्यवाद आप सभी साथियों को। आपका शुभ नाम? कुबेर जोशी, कुबेर जोशी कार्यवाहक अध्यक्ष सर्व सभा समाज खरगोन जिला। दोस्तों ये थे कुबेर जोशी जी, जो कि आज अपना जन्मदिन जो है ये सपाक्ष की रैली के दिन, महासभा के दिन अपना जन्मदिन यहाँ सोनकच्छ के इस जो ये आयोजन है शांतिकालीन इसमें मना रहे हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि कमलेश भंडारी जी एक नई किरण के रूप में सामने आएंगे। साथ ही हमारे मौजूद हैं शिवसेना के अध्यक्ष हैं आप जोशी जी, सॉरी शर्मा जी, राजू शर्मा जी, राजू शर्मा जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है सर, आप बीजेपी कांग्रेस और शिवसेना को भी आप अगर अब इसमें जोड़ लें, क्योंकि आप उसी पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या लगता है आपको सपाक्स का जो उदय हुआ है क्या है ये, क्या ये आप जैसा इसका कुछ हश्र होना है या कि ये कुछ आगे जाने वाली चीज़? जो बहुत समय से स्वर्ण समाज का जो पूरा स्वर्ण समाज जो एक तबका है पूरा, जो इतने समय से जो आरक्षण का जो विरोधी रहा है और 70 सालों से जो हम देख रहे थे कि अत्याचार हो रहे थे, और सपाक्ष समाज ने पूरे स्वर्ण समाज, सामान्य समाज, अल्पसंख्यक समाज और ओबीसी समाज, सारी जो सभी लोगों की आवाज़ थी, जो दबी कुचली आवाज़ थी, उसको सपाक्ष समाज ने एक मंच दिया है और उस मंच के साथ सत्य की जीत के साथ सारे लोग आज सपाक्ष समाज के साथ खड़े हैं। और हमारे खरगोन ज़िले से भी भाई कमलेश जी भंडारी, जो कि जिनका कि बहुत अच्छा मतलब छवि भी उनके खरगोन शहर में बहुत बढ़िया है, और उनके साथ सारा सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज खड़ा है आज इस सत्य की लड़ाई में, जो कि वाकई में जो देश में हो रहा है, जो एट्रोसिटी लगाया गया है और जिस प्रकार से भी जो इतने सालों से अत्याचार हो रहा है स्वर्ण समाज पे हम लोग सब साथ में हैं। हम लोगों ने भी सोचा कि नहीं, कमलेश जी अगर खरगोन से बनते हैं सपाक्ष समाज के, तो हम लोग भी उनका पूर्ण समर्थन के लिए शिवसेना पूरा सहयोग करेगी। क्या लगता है आपको, इस बार परिवर्तन की कुछ लहर है? बिल्कुल परिवर्तन की लहर है। आज कमलेश जी के नेतृत्व में कम से कम खरगोन शहर से 5 से 6 हज़ार लोग उनके नेतृत्व में आज भोपाल में गए और बहुत बढ़िया आयोजन वहाँ पे रहा सपाक्ष समाज का। तो दोस्तों, किसी ज़माने में अरुण यादव जी के ये ऐसे कारवां खरगोन से भोपाल पहुँचा करते थे और आज वहीं पर एक नव उदीयमान युवा सपाक्स की जो युवा इकाई के युवा उम्मीदवार हैं कमलेश भंडारी, उन्होंने ये पहला ही अपना जो जलसा और पहली ही अपनी जो ये रैली निकाली है बड़ी ही धमाकेदार निकाली है। इसके लिए यहाँ उनके सब समर्थक यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सपने उन्होंने खरगोन की जनता को दिखाए हैं या खरगोन की जनता का जो ये जिम्मा उन्होंने अपने हाथ में लिया है, इसे वे निश्चित पूरा करेंगे।